रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल में जो आया तो तेरी धुन कैसे ना सुनूं, जी ललचाए मेरा भी मैगी मैगी मैगी। सरोज देवी की तीसरी बहू मंजू रसोई में मैगी का पैकेट लेकर एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख कर मैगी की ऐड का गाना गा रही थी। तभी उसकी दोनों देवरानी तारा और संभवी वहाँ आती हैं और कहती हैं, क्या बात है दीदी, मैगी की तैयारी चल रही है, जब बना ही रही हो तो थोड़ा ज्यादा बना लो। हाँ, थोड़ा हमें भी चखने को मिल जाएगी। जी जी महारानियों, क्यों नहीं, तुम्हारी बावर्ची लग रही हूँ ना मैं, अपनी जेठानी को ऑर्डर देते हुए शर्म नहीं आती। जेठानी जी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, और खाने में कैसी शर्म। अच्छा चलिए, मैं मैगी के लिए सब्जियाँ काट देती हूँ, फिर तो ठीक है ना। हाँ, ये की ना कोई अकल वाली बात। तभी दोनों सब्जियाँ काटने बैठ जाती हैं और मंजू मैगी के दो पैकेट निकाल के बनाने लगती है। और मैगी की खुशबू से बड़ी बहू जानवी और छोटी बहू सोमिता भी रसोई में खींचे चले आते हैं। अब क्या था, मैगी थोड़े और बड़े पतीले में बनने लगती है और पांचों बहुएं रसोई में ही गर्मा गर्म मैगी लेकर खाना शुरू करती है। वहीं उसकी सास सरोज घर में एक भी बहू के ना दिखाई देने पर खुद ही पानी पीने रसोई में जाती है और वहां का नजारा देखकर कहती है, ये बात, रसोई में तो बहू की मैगी दावत चल रही होगी, कभी कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो। सासू माँ, मैगी खाओगी? देखो, हाँ मत करना, खत्म हो गई है। नहीं खा रही, मुझे तो पानी ही पिला दियो, प्यास के मारे गला सूख रहा है। और ये कौन सा समय हो रहा है मैगी खाने का, शाम के 6 बजने को हो रहे हैं, अभी मैगी ठूस ली है तो खाना कौन से पेट में खाओगे तुम सब। सासू माँ, खाना खाएं या ना खाएं, मैगी खा ली बस इतना ही काफी है। इस मैगी ने तो पांचों बहुओं को वश में कर रखा है, कुछ मिले ना मिले मैगी मिलनी चाहिए बस, अब कोई मुझे पानी पकड़ा दो। तभी सोमिता अपनी मैगी की कटोरी को साइड रखते हुए अपनी सास को पानी देने लगती है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। सरोज देवी की पांचों बहुएं मैगी की चटोरी थी, उसके घर में कम से कम किसी भी समय बहुओं की मैगी की दावत शुरू हो जाया करती। लेकिन सरोज उन पर इस बात पर चिल्लाने के लिए अपने गले को कष्ट ना देना ही बेहतर समझा करती थी। एक रोज जानवी बगीचे की सफाई करने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि एक ठेले वाला कुछ बेचते हुए कहता है, पकोड़े खाओ गर्मा गर्म, मैगी के पकोड़े ले लो। मैगी के पकोड़े, ये कौन सा नया आइटम है, पता करना पड़ेगा। तभी वो उस ठेले वाले के पास जाती है तो वहाँ रखे मैगी के पकोड़े देखकर कहती है, भैया ये सच में मैगी के पकोड़े हैं? हाँ बहन जी, सच में ही, आपको चाहिए, एक प्लेट खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, मैगी से बने हैं तो मैं जरूर खाऊंगी, दे दीजिए एक प्लेट, अच्छे लगे तो पैक भी करवा लूंगी बाकियों के लिए, साथ ही बातों बातों में इनसे मैगी के पकोड़े बनवाकर दिखाने को भी कह दूंगी। तभी वो आदमी एक प्लेट मैगी के पकोड़े जानवी को खाने के लिए देता है। मैगी के पकोड़े जानवी को बहुत पसंद आते हैं तो वो अपनी देवरानी के लिए भी मैगी के पकोड़े ले लेती है। साथ उस आदमी को मैगी के पकोड़े बनाते हुए देखती है और रेसिपी को अपने दिमाग में बिठा लेती है और उसे पैसे देकर घर आ जाती है और अपनी देवरानियों को वो मैगी के पकोड़े देती है, जिसे खाकर सभी कहती हैं, वाह क्या स्वाद है दीदी, मजा आ गया। सच में मैगी इतनी करारी भी हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अच्छे हैं और मैगी के हैं इसलिए तो लाई हूँ, अब ना मैं घर में भी मैगी के पकोड़े बनाने का ट्राई करूंगी। हाँ बनाना और हमें चखने के लिए देना। वाह वाह, दिन भर मैगी की बातें करती रहती हैं, काम धंधे में तो कोई ध्यान ही नहीं रहता। हे भगवान, कैसी पांच मैगी खाने वाली बहुएं पल्ले पड़ गई। सासू माँ, आप भी खाओ ना मैगी के पकौड़े, बहुत स्वादिष्ट है। तुम पांचों ठूसो और ठूस लिया हो तो घर की साफ सफाई पर ध्यान दे लो। अरे यही मैगी खाने के चलते तो मिश्रा जी की बेटी को लूज मोशन हो गए हैं, कल ही हॉस्पिटल से घर लौटी है। हाँ तो जो मैगी को खाने की तरह खाएगा उसका तो यही हाल होगा ना। ज्यादा जुबान ना लड़ा और रसोई से वो मिठाई वाला थैला लाकर दे दे मुझे, थोड़ा मिश्रा जी के घर हुआ हूँ। ठीक है, लाती हूँ। जानवी मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है तो जहाँ दो थैले पड़े होते हैं तो वो बिना देखे एक थैला उठाकर अपनी सास को पकड़ा देती है। लेकिन मिठाई वाला थैला तो रसोई में ही रह जाता है और उसकी जगह मैगी के पैकेट वाला थैला अपनी सास को पकड़ा चुकी वो होती है कि तभी वो थैला लेकर सरोज मिश्रा जी के घर पहुंचती है
राम राम मिश्रा जी, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन जी, सब ठीक है। बेटिया भी ठीक होकर आ गई अस्पताल से, तो मैगी और बाहर की चीजों से तौबा है बस। उसके लिए ही ये मिठाई लाई थी, ज्यादा घी चीनी वाली नहीं है, उसे पसंद आएगी। इतना कहकर वो उसे थैला पकड़ा देती है और मिश्रा जी जब थैले में देखते हैं तो मिठाई की जगह मैगी के पैकेट देखकर गुस्से से कहते हैं, अरे सरोज बहन जी, मिठाई के नाम पर ये क्या मजाक है? क्यों जले पर मैगी छिड़क रही हो? अरे क्या हो गया? तभी मिश्रा उसका दिया हुआ थैला उसे वापस पकड़ाते हैं और वो थैले में मैगी के पैकेट देखकर कुछ ना कहते हुए घर आती है और अपनी बहुओं के सामने उस थैले को जोर से पटकती है, तो उसमें से मैगी के पैकेट बाहर आते देखकर जानवी कहती है, ओहो गलत थैला दे दिया मैंने सासू माँ को। फुसफुसा क्या रही है नासपीटी, तुम्हारी इस मैगी की वजह से मिश्रा जी मुझ पर गुस्सा हो गए। अरे नासपीटियो, इस मैगी ठूसने में जितना पैसा फूकती हो ना, उतने में तो किसी गरीब के दो वक्त का खाना आ जाएगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ तो इसका फायदा मत उठाओ, अपनी मैगी खाने में जब देखो तब मगन रहती है, दूसरों की तो कोई फिक्र है ही नहीं, अब मुंह क्या ताक रही हो? सरोज उन्हें जली कटी सुनाकर कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है और उसकी बात सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे मुरझा जाते हैं। तभी संभवी कहती है, सासू माँ सही कह रही है, हमारे ऐसे अकेले के लिए मैगी खाना ठीक नहीं, दूसरों का भी सोचना चाहिए हमें। अब क्या हम दूसरों को भी मैगी खिलाएंगे? हाँ वैसे ऐसा कर तो सकते हैं हम। अच्छा वो कैसे? तभी पांचों सोचने लगती है और आखिर में एक फैसला कर लेती है। अगली सुबह घर के बाहर पांचों बहुएं बड़े से पतीले में मैगी बना रही होती है और साथ ही बहुत से डोनों में रखकर आते जाते लोगों को आवाज लगाकर मैगी बांट रही होती है। बाहर से आता शोर सुनकर सरोज बाहर आती है और अपनी पांचों बहुओं को मैगी बनाकर बांटते हुए देखकर हैरानी से कहती है, हे भगवान ये क्या कर रही हो बहुओं? मैगी का भंडारा हो रहा है। सासू माँ आपने ही तो कहा था ना कि अपने ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बस हमने ये मैगी भंडारा करने के बारे में सोचा, अच्छा किया ना? सासू माँ अब गरीब भूखे लोग यहाँ आकर मैगी खा लेंगे। हे भगवान मेरे तो कर्म ही फूट गए, मुझे तो लगा था कि सुनाने के बाद तुम सब में अकल आई होगी, लेकिन ये मैगी का भंडारा देखकर तो पता चल गया कि जो बची कुची अकल थी वो भी तुम्हारी खत्म हो गई है। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं और बेचारी सास अपनी मैगी खाने वाली पांच बहुओं से परेशान होकर अपना सर पकड़कर दरवाजे पर ही बैठ जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।